नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे हम यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुला है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और आज के लिए हॉट टॉपिक्स क्या रहेंगे कम्युनिटी बाजार में और उस पर ऊपर मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइजेज हैं कल के कारोबारी सत्र में फ्लैट सेटल होते हुए नजर आए थे। सुनने में आ रहा है कि ये जो इक्विटी मार्केट है इसमें जो हल्की सी नरमी बंदी दिखाई देती, इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में एक छोटी सी सेफ हेवन डिमांड निकलते नजर आई है। इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइजेज हैं उनको थोड़ा सपोर्ट था और फ्लैट सेटल होते नजर आए थे। तो अब यहाँ से गोल्ड सिल्वर तेजी की ओर जाएंगे या फिर यहाँ से लाल निशान की ओर, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सी वी पर। रूपा जी, गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं प्राइसेस फ्लैट सेटल होते नजर आए हैं, आपको क्या लगता है ये जो इक्विटी मार्केट में यहाँ पे नरमी बनी है तो क्या यहाँ पर कम्युनिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में तेजी बन सकती है? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में अगर देखा जाए तो अभी जो है करेंसी का जिसकी वजह से लगातार प्राइसेस जो है वो दबाव में बने हुए थे और अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा दबाव के अंदर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। कोई बहुत ज्यादा गिरावट के संकेत यहाँ से बन नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से $1820 नीचे में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब तक $1800 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ रही है मार्केट में तब तक रुझान पॉजिटिव ही है और $1820 के अराउंड जो है इसमें बाइंग पोजिशन बनाया जा सकता है और ऊपर करें कि 1860 ये स्तर बने रह सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि काफी वोलेटाइल है मार्केट, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर चलें और इसमें बाय पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी, तो यानी कि सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी निकल सकती है जिस हिसाब से इक्विटी मार्केट में यहाँ पर हल्की सी नरमी बनती नजर आई है। दूसरा, अभी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने की जो उम्मीदें जताई जा रही हैं फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा और बाकी एक्सपर्ट्स द्वारा, मार्केट एक्सपर्ट द्वारा, कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अभी मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ और बदलाव कर सकता है, बेसिस पॉइंट्स में फिर से कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब इस पर जो स्पेकुलेशन है मार्केट में वो भी ज्यादा तेज हो गए थे बीच में, जिसकी वजह से हमने गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेज हैं उनमें यहाँ पे तेजी बनते हुए देखी थी। रूपा जी, इसी के साथ बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं $120 तक कीमतें छूने के बाद आज $112 पर ट्रेड करती नजर आ रही है WTI की और ब्रेंट देख रहे हैं $114 पर है। रूपा जी, मार्केट में सिनेरियो तो अभी देख रहे हैं ये बन रहा है कि रशिया के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने के मूड में पूरा पूरा नजर आ रहा है यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे में आपको क्या लगता है अगर यूरोपियन यूनियन पूर्ण रूप से कच्चे तेल पर बैन लगा देता है, लेकिन दूसरी बात देखी जाए तो चाइना भी वापस मार्केट में लौट रहा है। रूपा जी, एक फैक्टर देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो सप्लाई है, कच्चे तेल की जो डिमांड है वो बढ़ाने वाला है, दूसरा घटाने वाला, तो ऐसे में आप कच्चे तेल का बाजार कैसा रहेगा? देखिए, कच्चे तेल का बाजार भी पॉजिटिव ही है और अभी जो है वो करेक्शन जरूर बनी है। पिछले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में हमें अच्छी गिरावट आते हुए देखिए आज भी 2.5% मार्केट लुढ़क चुका है। यहाँ पर देखिए गिरावट जो है वो लिमिटेड है, हमें लगता है कि अगर बहुत ज्यादा करेक्शन भी में भी जाता है मार्केट तो ऊपर की अगर बात करें तो $100 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी फिलहाल मार्केट में बनी रह सकती है और ऊपर में $120 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो एक अच्छी तेजी में जा सकता है। अभी जो ये करेक्शन आ रही है इस करेक्शन के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, नेचुरल गैस में क्या लगता है? कल के कारोबारी सत्र में देखा था हमने नेचुरल गैस की जो मार्केट ही अप और डाउन काफी ज्यादा देखने को मिला था। तो रूपा जी, खबरें तो यही है कि डिमांड ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन संकट है इसकी वजह से भी नेचुरल गैस का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है और इसी की वजह से हमने भारत में गैस सिलेंडर, LNG, PNG सबके दामों में इजाफा भी देख चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या नेचुरल गैस का जो बाजार है आगे भी ऐसे ही तेजी वाला बना रहेगा? देखिए, बिल्कुल नेचुरल गैस में मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि ऊपर में 100 जो अभी हमने देखा 675 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, कल की गिरावट के बाद एक बार फिर से यहाँ पर जो है खरीदारी आई है तो मुझे लगता है कि 700 तक का लेवल जो है ऊपर में एक बार देखने को मिल सकता है, इस लेवल के लिए इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है? अभी आज जैसे 2 जून हो गया है, खबरें ये थी कि चाइना 1 जून यानी कि कल से मार्केट लॉकडाउन से पूरे तरह से निकल जाएगा,
तो रूपा जी अब क्या लगता है, क्या धीरे धीरे अब बेस मेटल्स की जो डिमांड है क्या वो बढ़ना शुरू हो जाएगी? देखिए जी, बेस मेटल ने भी मैंने हमेशा यही बताया कि आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है, इसमें आप खरीदारी की तरफ रहें और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आप इसके अंदर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। करेक्शन के बाद एक बार फिर से मार्केट जो है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तेजी की तरफ मार्केट बना रह सकता है। और कॉपर देखिए, आप गिरावट के बाद अगेन जो है हम उसको 780 के बेहद करीब देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं जचती है इसके अंदर। मेरे हिसाब से कॉपर जल्द ही 800 के स्तर छू सकता है और जिंक भी 340 से लेकर 360 के आसपास जी। रूपा जी, नॉन एग्री में आज हॉट टॉपिक्स क्या बने रह सकते हैं जो अच्छा मुनाफा देंगे इंट्राडे के अंदर? रूपा जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में कौन से हॉट टॉपिक्स, आज कौन सी वो हॉट कम्युनिटीज होंगी जो आज निवेशकों को अच्छा मुनाफा कमा के देंगी? देखिए, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स पॉजिटिव है, बेस मेटल्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। बेस मेटल्स आने वाले दिनों में एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। जिंक 340 तक जा सकता है तो कॉपर जो है 800 तक के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमिटीज की। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एग्री कमिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कमिटीज में निवेशकों को कहाँ पर कमाई मिलेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले MCX कॉटन से। रूपा जी, MCX कॉटन में साल 2021 के शुरुआत में, 2020 की एंड में और साल 2021 की शुरुआत में, 2022 की शुरुआत में और साल 2021 के एंड में हमने देखा था कि जो M6 कॉटन थी 25,000-27,000 तक थी। लेकिन 2022 के जैसी आगमन हुआ, फिर हमने देखा जो कॉटन है अचानक से 30,000-35,000 ऐसे करते करते 50,000 तक गई। रूपा जी, डोमेस्टिक मार्केट की तरफ नज़र डाली जाए तो भारत में भी कॉटन का जो प्रोडक्शन था कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि जो प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएं। अभी मार्केट से खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि ये MCX कॉटन में जो तेजी बनी है ये ज़्यादा डोमेस्टिक डिमांड या सप्लाई को देख के कम बनी है और जो ज़्यादा तेजी बनी है वो इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए बनी है। लेकिन रूपा जी, इसी के बीच हमने देखा है कि यहाँ पे कॉटन 44,000-43,000 तक भी ट्रेड करती नज़र आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या कीमतों को वापस नीचे लाने के लिए सरकार कॉटन पर भी कुछ एक्शन ले सकती है? अभी के लिए सरकार क्या कर सकती है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, कॉटन की कीमतें जो हैं इस बार रिकॉर्ड स्तर पर जरूर पहुंची हैं और इतने लेवल्स एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। और हमने लगातार यही डिस्कस किया इसी बुलेटिन में कि कॉटन जो है वो कभी भी डाउनसाइड में जा सकता है। और आप देखिए, आज 44,000 के बेहद करीब है और मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कॉटन जो है वो 40,000 के सरों पर भी काम करते हुए दिखाई दे। और अभी जो है वो प्रेशर कंटिन्यूशन में बना रह सकता है और इस सीजन में प्राइजेस अब जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगले सीजन में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई तेजी नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार सोइंग अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है। तो फिलहाल के लिए कॉटन के अंदर जो भी पोजीशन रखी हुई है उसमें एग्जिट लेना चाहिए। इनफैक्ट कॉटन के साथ साथ कॉटन सीड ऑयल केक में भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 2700 तक मार्केट नीचे लुढ़क सकता है जी। रूपा जी, मसालों में क्या लगता है? मसालों में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नरमी बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि मसालों में भी मुनाफा बचा या फिर मसालों में जो अच्छी तेजी उसके लिए भी थोड़ा रुकना पड़ेगा? देखिए, मसालों में आप खरीदारी ले सकते हैं। आप देखिए, जो हमने टारगेट दिया था हल्दी का 7800, वहीं से मार्केट जो है वो बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी में बाइंग बनाया जा सकता है। इनफैक्ट जून महीने में नहीं, जुलाई मंथ में अगर थोड़ा सा भी डिप मिले 8,000 के नीचे तो वहां पर खरीदारी बनाकर चला जा सकता है। और जीरा भी 21,000 के नीचे बाइंग के लिए अच्छा है, जीरे में भी बाइंग करके चला जा सकता है। और धनिया भी मुझे लगता है कि अगर 11,000 के नीचे लुढ़कता है, इनफैक्ट हमने देखा इसको कल के कारोबारी सत्र में, परसों भी हमने देखा कि इसमें थोड़ा सा प्रेशर बना था और 10,800 की रेंज में आया था, तो वहां पर एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल था बाइंग के लिए। और अभी भी अगर करेक्शन मिलती है तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है जी। रूपा जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है? ग्वार में तो देख रहे हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं वो तेजी वाले हैं, फिर ग्वार में नरमी बनने के कारण क्या है? ग्वार में अब क्यों नरमी बन रही है तेजी की बजाय? देखिए, ग्वार में ये नरमी नहीं है, अभी थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों पर लगातार मार्केट सस्टेन था तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर मांग निकलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर सस्टेन है। अभी थोड़ा करेक्शन में जरूरी है मार्केट और यहाँ से करेक्शन जो है वो थोड़ा बढ़ सकती है। ग्वारगम की बात करें तो 10,800 से 10,600 तक नीचे जा सकता है और वही 3,650 तक नीचे लुढ़क सकता है जी। रूपा जी, कैस्टर में क्या रहेगा आज इंट्राडे का लेवल? देखिए, कैस्टर में भी वही रेंज बाउंड है, 7,300 से लेकर 7,500 के बीच में मार्केट फिलहाल ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। आज करेक्शन में है, 7,360 तक नीचे का लेवल हो सकता है और ऊपर में 7,420 तक ऊपर जा सकता है जी।
रुपा जी, वीट की बात करें तो वीट में क्या लगता है अब, क्या वीट में अभी यहाँ से और तेजी बनेगी? देखिए, वीट में एक्सपेक्टेड है कि जो अब गिरावट आई थी एक्सपोर्ट बैन के चलते, वो थोड़ा सा संभलती हुई दिखाई दे सकती है, और आगे चलकर वीट में थोड़ा सा बाजार जो है वो पॉजिटिव जा सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब शॉर्ट टर्म रैली की अगर बात करें तो प्राइजेस जो है वो डाउनसाइड में रहेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर चलेंगे तो वीट के अंदर आगे चलकर तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर तेल तिलहनों की, तो सबसे पहले सरसों की बात करना चाहूँगा। सरसों में हमने देखा है कि मंडियों में सरसों की आवकें ठीक ठाक हैं, अब बम्पर आवकें तो नहीं है लेकिन निरंतर आवकें बनी हुई हैं, सप्लाई अच्छी खासी है मंडियों के अंदर, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो आयातित खाद्य तेल हैं वो ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं देसी तेलों के मुकाबले, और खाद्य तेलों में इतनी महंगाई के बावजूद सरसों तेल बाकी आयातित तेलों और बाकी देसी तेलों से सस्ता बैठ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरसों का रिफाइंड बनाने पर जोर दिया जा रहा है और दूसरा सरसों का प्योर तेल भी बनाया जा रहा है और मार्केट में सप्लाई भी हो रहा है, तो क्या सरकार को इसका पहले से स्टॉक बना लेना चाहिए जिससे कि आगे जाके इसकी किल्लत ना हो? देखिए, सरसों की अगर बात करें तो अभी हमने देखा कि अब जो ये मंथ की शुरुआत हुई है, सरसों तेल के भाव जो है वो थोड़ा सा नीचे बने हुए हैं, और लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और सरकार ने पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफ़ी मतलब जो है कंट्रोल किया है, उनके प्राइसेस काफ़ी कम कर दिए हैं ताकि महंगाई को कम किया जा सके, और ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनके प्राइसेस को कंट्रोल में लाया जा सके, तो उसके चलते हमने उसका इम्पैक्ट भी आते हुए देखा है, सरसों तेल के प्राइसेस जो है वो नीचे आए हैं, और ऐसे में अभी दिखाई लग रहा है कि अभी जो सरकार ने जितने स्टेप्स उठाए हैं उसका असर आगे चलकर देखने को मिल सकता है, और अभी जो प्राइसेस हैं वो जिस तरीके से हमने देखे हैं वो सस्टेनेबिलिटी आ सकती है इन लेवल्स के ऊपर। फिलहाल के लिए आने वाले दिनों में कोई बहुत ज्यादा तेजी की तरफ बाजार दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा है कि कुछ एक मंडियों में सरसों का भाव 160 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट जो है इसी रेंज में बना रह सकता है, ऊपर में 165 नीचे में 158, बस इस रेंज में फिलहाल मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, खाद्य तेलों पर हमने सरकार के 2-2.5 हफ्तों के अंदर काफ़ी बड़े फैसले देख लिए हैं। पहले तो सरकार ने बोल दिया था कि सरकार ने सोया तेल पर 20 लाख टन सोया तेल के लिए आयात शुल्क खत्म कर दिया है, लेकिन इसके बाद हमने कल के दिन सरकार का एक और बड़ा फैसला देखा। सरकार ने फैसला किया है कि वो पाम तेल की जो बेस इम्पोर्ट प्राइस है उसमें कटौती की गई है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या बेस इम्पोर्ट प्राइस में कटौती करने से विदेशों से यहाँ पर सप्लाई बढ़ पाएगी? क्योंकि रूपा जी, हमने देखा है कि सरकार ऐसे फैसले पहले भी कई बार ले चुकी है, लेकिन जब जब सरकार ने आयात शुल्क या बेस इंपोर्ट प्राइस किसी भी तरह का शुल्क में कटौती की है या फिर शुल्क शून्य किया है, तब तब विदेशों में दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या इससे उपभोक्ताओं को या सरकार को कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए, विदेशों में तो प्राइसेस पहले ही हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी तेज है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी सब जगह पर कम है, इसी वजह से हमने देखा कि इसका असर डोमेस्टिक मार्केट पर भी आता हुआ दिखाई दिया, हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए और इस वजह से हमने यहाँ पर प्राइसेस को ऊपर आते हुए दिखा, और जो एक्सपोर्ट डिमांड थी वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी थी, और अभी का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी के लिए रिफाइंड तेल भी थोड़ा सा इन लेवल्स के ऊपर सस्ता हो सकता है, और सोयाबीन तेल भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि सरकार जो है अब यहाँ पर तेल तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है, और आगे चलकर भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए ऐसी कोई रणनीति दिखाई नहीं दे रही कि जो एक बार फिर से प्राइसेस को बूस्टअप कर दे और बहुत ज्यादा पीक पर लेकर चली जाए, क्योंकि अभी के जो सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस जो है सस्टेन कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं तो बढ़ने के भी चांसेस नहीं है, तो ओवरऑल जो सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है खाद्य तेलों का वो सस्टेन हो सकता है इन लेवल्स के आसपास, तो यहां से अभी फिलहाल तेजी की तरफ मार्केट नहीं है। जी रूपा जी, जहां पे सरकार ने पाम तेल के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती की है वहीं सोया तेल में बढ़ाई है, तो क्या लगता है, जो सोया तेल पहले से ही ज्यादा तेज हो रखा है और सोयाबीन सस्टेन हो रखी है औसत दाम 6,000-6,500 पर, तो क्या इनमें यहाँ पे तेजी आएगी या फिर बाकी खाद्य तेलों में जैसा आपने बताया कि ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है उसका असर सोयाबीन तेल तिलहन पर पड़ेगा? देखिए, सोयाबीन तेल में भी अब यहाँ से तेजी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती है अभी के लिए, अगर फर्दर कोई अपडेट आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी के सिनेरियो से, अभी के फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोयाबीन तेल में भी तेजी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी,
एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी, वो कौन सी हॉट कमोडिटीज होंगी जो आज निवेशकों को अच्छा मुनाफा देंगी? देखिए अगर एग्री कमोडिटीज में बात करें तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से मेरे हिसाब से अभी हल्दी अच्छा लग सकती है। यहाँ से हल्दी के अंदर बाय करके चला जा सकता है और उधर से कॉटन बिनोला खल जो कॉटन सीड ऑयल केक है उसमें बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।